जैसा कि मैं देख सकता हूँ इस बार ढोलक से लेकर पूरा माइक तक पूरा जुगाड़ लेके आए भाई यहाँ पे हमारे हमारी जय जीरा ढोलक जीरा भाई और सियापति रामचंद्र की जय जय। नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके दर्शन करवाने वाले हैं श्री बालाजी मेहंदीपुर बालाजी महाराज जी के। इसके अलावा हम जाएंगे यहाँ पर मथुरा अपने वृंदावन कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं हमारे साथ हमारे शानू जो भैया हैं हमारे शानू भाई मुझे बस तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद जो होगा हमारा सफ़र कंटिन्यू होगा। तो आप में से जो भी बालाजी भगवान महाराज का भक्त है कृपया करके वीडियो को पहले तो बालाजी महाराज के लिए लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी जरूर लिखे, जय राम जी की जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों पहले मैं बस में चलता हूँ, उसके बाद वीडियो को दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। और मैं कैसा लग रहा हूँ आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वैसे दोस्तों काफ़ी दिनों महीनों बाद मैं अपने चैनल पे एक वीडियो डाल रहा हूँ, व्लॉग डाल रहा हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं रेगुलर व्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। तो दिल्ली में दोस्तों कोरोना फैल रहा है, मतलब कानून इतने सख्त है तो मास्क लगाना पड़ेगा और मैं अभी हेलमेट भी पहन लेता हूँ। अभी मैं थोड़ा लोकल में ही चल रहा था इसलिए मैंने हेलमेट उतार दिया था। तो चलिए बस में बैठने के बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम अपनी बस चापा हमारी खड़ी है, पीछे आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी जो बस वहीं पर ही हमारी बस खड़ी है और थोड़ी देर में हम बस के अंदर बैठने वाले हैं और अपना जो सफ़र है वो शुरू करने वाले हैं। तो एक बार हमने दोस्तों नारा तो हमने लगाया नहीं, बालाजी महाराज की जय और कृष्ण भगवान के लिए क्या क्या बोलना चाहोगे? बाके बिहारी लाल की जय, कन्हैया लाल की जय। बालाजी महाराज के दर्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चाहे वीडियो को आगे तक पूरा देखें। वीडियो में फन है, एंटरटेनमेंट है, वीडियो में पूरा क्लिप है, यार मैं कह रहा हूं वीडियो बहुत बढ़िया बनेगी, तुम्हें पूरा देखो वीडियो, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद एक क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा निखिल भाई की। अभी मैं इसके घर गया था तो इन्होंने बहुत ही अच्छा अपना जो ढुमका वो चीटिंग की थी, वो चीटिंग, ये ढुमका वो चीटिंग की थी, वो चीटिंग की थी, मैं रिलैक्स करता था, इसने चोरी से वीडियो बनाई, इसने चीटिंग की थी। तो ढुमका मटकाते हुए काफी अच्छा इन्होंने डांस स्टेप करा, वो वीडियो जरूर देखना, आपको हंसी नहीं आई तो दोस्तों फिर बोलना। तो चलिए ठीक है, हमारे पास मास्क है, मैं बोलना कि बिना मास्क की वीडियो बना, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कमेंट कि बिना मास्क के घूम रहे कर कोविड में, ठीक है। तो हम भाई ठीक है मास्क है, ठीक है दोनों कोविड, ठीक है। तो अभी हम गीता कॉलोनी में हैं, तो यहाँ से हम अपनी बस के अंदर बैठेंगे, उसके बाद अपना सफर शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं बस के अंदर और वीडियो क्लिप जरूर देखना, बाय दोस्तों। अभी जैसे कि मैंने देखा कि हिमांशु भी बालाजी के नारे लगा रहा था, तो अभी लगा रहा गुलाब जामुन के नारे। सफर की तरह देखते हैं कि इंसान की भक्ति गुलाब जामुन देखते कैसे बदल जाती है। सफर की शुरुआत कुछ मीठे खाने से होनी चाहिए। वो मीठा चीनी भी था, चीनी भी थी बस में, मिश्री भी थी, पर ये कह रहा नहीं यार मजा तो इससे लगा इंसान को। जो मजा गुलाब जामुन में वो किसी और में नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो ये कह रहा है सारे मजा उसमें ही है। और गाजर का हलवा भी, हाँ मतलब ये कह रहा है इसका मतलब अभी काश कोई हो सकता इसका भाई होता वो इसे खिलाता। अभी निखिल भाई ने बोल दिया तो अब निखिल भाई गाजर का हलवा खिलाई नहीं गए। चले दोस्तों बस में बैठते हैं, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। बालाजी महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, नारो बाबा की जय, प्रेतराज सरकार की जय, समाजी वाले बाबा की जय, जय श्री राम। जैसे कि हमें बताने चाहते हैं अभी बस में बहुत देर हो गई, क्यों? क्योंकि भाई खाता गुलाब जामुन, तो बस में कह रहे हैं भाई साहब आप करो तो कैसे चलेगा, मतलब इसे नहीं पड़ी बस की कहाँ के टोपी, हाँ इसे नहीं पड़ी बस की, इसे पड़े गुलाब जामुन की, भाई वो जाए पेट में हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस मतलब जो कह रहे हैं कहने दो, ये कह रहे हैं पहले मुँह में उचाना कुछ मीठा, वहाँ में कैसे वो खरा समोसा अपना। अब देखो मीठा खा लिया अब सफर अच्छा होगा। वहाँ वो क्लब के भाई समोसा खा रहा बंदा, वहाँ समझ रहे हो समोसा खा रहा क्लब के, ये वहाँ अपना मीठा खाने चबिए से।
आगे कंटिन्यू रहेगा ब्लॉग। तो ये हमारी बस है, बस में बैठ गए हैं। तो चलिए बीच का जो सफर होगा अंधेरा और कोहरा सब आपको दिखाते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों अभी हम रुके हुए हैं चाय पीने के लिए, लेकिन अभी बस के अंदर जो हमने मजे करे ना वो आप जरूर देखना। हमने नहीं, पब्लिक ने, तूने देखा ना, तूने खाली बैठा हुआ, तूने खाली पब्लिक का मुंह देखा था। ठीक है भाई, इसने कोई ताली वाली ली पीटी, इसको भगवान से कोई प्यार नहीं है। जो इसका जहाँ कैमरा, इसकी तरफ जहाँ कैमरा, ये वहां तक ताली पीट रहा था। मैं देख रहा था जो भगवान के गाने, और जो भक्ति में मैं लीन हुआ ना बस के अंदर, वो आपको जरूर देखना चाहिए। इसकी आंखें बंद हो गई थी, सो गया था आराम से, मतलब वो आपको जरूर देखना चाहिए। मैं भक्ति में सो गया था, मतलब भक्ति में मैंने आंखें बंद कर ली थी और मैं भगवान के बारे में सो गया था। भक्ति में सो गया था, भगवान की भक्ति में सो गया था। वो क्लिप आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर आपने वो नहीं देखा ना, तो आपने इस वीडियो में देखा ही क्या? तुम शूट नहीं किया ना, वो तुम शूट नहीं किया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब आप देखना जैसा कि मैं देख सकता हूँ, इस बार मैं ढोलक से लेकर पूरा माइक तक पूरा जुगाड़ लेके आए भाई। यहाँ पे हमारे हमारी जय जीरा ढोलक जीरा भाई। गणपति राखो
ये देख सकते हो कि पूरे समर्पण के साथ मिस्टर निखिल चोपड़ा जी रहे यहाँ पर बालाजी भगवान के धाम में, अपने चरण स्पर्श कर लिए हैं और उनका आशीर्वाद भी ले लिया है। इसी के साथ थोड़ा हम भी ले लेते हैं। Why are you laughing? थोड़ा हम भी ले लेते हैं। थोड़ा हम भी उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं। ऐसा पूरा बोलो ना। तो निखिल जी, आप यहाँ पर पिछले ज्यादा बार आए हुए हो, तो या इसके एरिया के बारे में, यहाँ के बारे में, खूबसूरती के बारे में आप कुछ बताइए। ऐसा नहीं है, देखो एरिया अच्छा है, ठीक है। बालाजी महाराज से देखो, ये मेन जो टेम्पल होता है बालाजी हनुमान जी का, देखो ये वो है, ठीक है। तो सब आओ, देखो दर्शन करो। और जगह है यहाँ पे अंजना माता का मंदिर है और दो चार मंदिर है। जहाँ जहाँ मैं गया आपने बताना, जहाँ पर दोस्तों देखो, एक तो बालाजी महाराज जी का जो टेम्पल है वो है, ठीक उसी के सामने राम मंदिर भी है। हाँ। और उसी के बगल में आप जाओगे अंदर की साइड, तो वहाँ पर एक मंदिर है जहाँ पर जलेबी चढ़ाई जाती है। प्रेतरा सरकार का नहीं, प्रेतरा सरकार मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर है। हाँ। और भैरव बाबा जी का भी मंदिर है, प्रेतरा सरकार का भी मंदिर है। और यहाँ पर एक जगह है, उसको तीन पहाड़ कहते हैं, मतलब तीन पहाड़ी अंजना माता जी का मंदिर है। वहाँ पर पहाड़ के ऊपर आपको सफर करना पड़ेगा। तो चलिए, अब हमें यहाँ से एकदम सीधा सीधा जाना है और जो टेम्पल है वो हमारा आ जाएगा। तो चलिए, हम टेम्पल के बाहर खड़े होकर दोबारा से वीडियो को शूट करते हैं। वैसे कई सारे लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, और आप में से कई लोग भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए होंगे। तो आप अपना अनुभव बताइए कि कैसा लगा वीडियो में, ये दोबारा से देखकर, ये व्यू देखकर आपकी यादें ताज़ा हुई होगी। अगर हुई हो तो कमेंट का कोरा देखकर, और सुबह का जी क्या बोल रहा हो, सुबह का कोरा देखकर बताओ कैसी यादें लगा, दिल्ली में कितना, यहाँ कितना बताएंगे आके। और आपकी अगर कोई यादें ताज़ा हुई होगी तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम टेम्पल के बाहर खड़े होते हैं, उसके बाद वीडियो को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रसाद लेने के लिए यहाँ पर कई सारे आपको शॉप्स मिल जाएगी, जिसमें जाकर आप प्रसाद ले सकते हो। तो कुछ इस तरह का मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर वो कड़े मूर्तियाँ और कई प्रकार की सामग्री है जो आप ले सकते हो। ये है बालाजी महाराज जी का टेम्पल, बस थोड़ी सी आगे ही है। ये देखिए भजन बज रहे भगवान जी के, जय श्री राम। काफी अच्छा व्यू है। अब तो दोस्तों, पहले इनका जो रोड है वो भी नहीं बना हुआ था, अब तो इन्होंने रोड भी बना दिया है। पहले कोविड रोड बना दो, कोरोना में मंदिर बंद था, तो शायद में भी सरकार ने सोचा कि रोड ही अच्छा कर दिया जाए। तो इतनी सारी शॉप है यहाँ पर, आप देख सकते हो। तब भक्त लोग मंदिर के दर्शन करके आ रहे हैं, और हम जो भक्त है वो अब जा रहे हैं, क्योंकि हम पैसे पहले सो रहे थे, क्योंकि हमने अपनी निंद्रा, हमने निंद्रा ली पहले थोड़ी सी, फिर थोड़ा स्नान करा, उसके बाद दर्शन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। वो रहा मंदिर, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये रहा बालाजी मेहंदीपुर बालाजी महाराज जी का मंदिर, और ठीक उसके सामने ही है राम मंदिर यहाँ पर। और दोस्तों, जो तुम्हें जलेबी वाला बोला था ना, देखो मंदिर ये ना, तो इस वाले एक सड़क पे यहाँ पर जलेबी वाला मंदिर आता है, यहाँ पर जलेबी चढ़ाई जाती है, मतलब जलेबी वाला मंदिर नहीं बोलते थे, कुछ और ही बोलते हैं। ये देखिए, ये है इनका गेट, मेन द्वार जो बंद है, तो शायद दर्शन हम अंदर नहीं जा सकते करने के लिए। जय श्री राम। यहाँ पर मंदिर पूरे बंद है। निखिल जी, आज तो मंदिर बंद था, बंद लग रहा है, लग रहा है मंदिर बाहर से ही खुला हुआ है। कोई नहीं दोस्तों, बाहर से ही मंदिर क्यों ना खुलाओ, दर्शन तो हम आपके जरूर करवाएंगे, और पूरे दर्शन करवाएंगे, जितना दर्शन हमने करा है उतना ही दर्शन आपके भी करवाएंगे। हाँ, और हनुमान जी हो, और यहाँ पर ये ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये रहा हमारा राम जी का मंदिर, ठीक हनुमान जी के मंदिर के सामने। और ये जो सड़क रास्ता है, ये आपको पहाड़ी के ऊपर लेके जाएगा, तीन पहाड़ी। तो ये रहा राम जी का टेंपल, और इसी के सामने है हनुमान जी का टेंपल। तो चलिए दोस्तों, दर्शन करते हैं। अरे नहीं दोस्त, अंदर जा रहे लोग, देख वहाँ से लोग अंदर देख। अब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, और
टेंपल के अंदर हमने चढ़ाई कर दी है भगवान जी के पास जाने के लिए। कुछ इस तरह का व्यू है, गुफा गुफा के अंदर हम जाएंगे। जय 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 श्री राम। जी चंदा भी आ गए हैं पकड़ो कंटिन्यू करने के लिए। और पूरे 5 महीने बाद, 5-6 महीने बाद लॉकडाउन में तो माइंड नहीं था, लॉकडाउन के बाद फाइनली लव आ गया है। बाबा तेरा बुलावा आया है। पूरा गाना बोलो ये एक नारा जी भाई तेज हो जाए तो मजा आ जाएगा। बोल सियापति रामचंद्र की जय। अरे तो बाहर जाना था अंदर से हमने अपना सफर शुरू करा था और बाहर आ गए हैं। अभी बाहर से हम दोबारा से अंदर जाएंगे। तो दोस्तों अब हम आ गए मंदिर से जाते हैं बाहर। ये कुछ बाहर का इस तरह का व्यू है। यहाँ पर पहले पहाड़ था, उन्होंने पहाड़ को पूरा काट दिया है। ये रहा पहाड़ का थी मंदिर के, और यहाँ से हम ही बाहर निकले थे श्रद्धा करके। ये एग्जिट था जहाँ से हम अभी हम निकले हैं। और उन्होंने पेड़ का दिखे सर पहाड़ को पूरा काट दिया है। एक लगता है नया रास्ता का निर्माण होना यहाँ पर। फ्यूचर में जब होगा वो भी हम दिखा देंगे आपको जब आएंगे फ्यूचर में। अंदर का दोस्तों वीडियो शूट करना थोड़ा अलाउ नहीं था, इसलिए मैं अंदर से तो भगवान को आपको एक क्लियर नहीं दिखा पाया। पर राम जी के मंदिर के बाहर खड़े होकर पूरा जूम करके आपको भगवान के दर्शन तो मैं करवा के ही दूंगा। एक बार बोल दिया तो मतलब बोल दिया, दर्शन करवाने तो मतलब करवाने, जब मैंने कर लिया तो आपके भी जरूर होंगे। तो चलिए राम मंदिर की बात करो के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों ये है राम मंदिर। आई होप कि आपको दर्शन हो रहे होंगे। ये रहा राम मंदिर। देखो मैं राम मंदिर का आपको दर्शन करवा देता हूँ अंदर से। हनुमान मंदिर थोड़ा दूर पड़ रहा है तो स्पीड में तो क्लियर तो आई होप दोस्तों कि आपके दर्शन भी हो गए होंगे। अब जहाँ पर मैं रुका हूँ अपनी धर्मशाला में, वहाँ पर चल के वीडियो दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। बाबा है प्यारा,